Hello, welcome to Sumo Biology. We are going to discuss a problem. This problem is from MTG publication book, that is NCERT fingertips. उससे मैंने क्वेश्चन लिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से. A child has O blood group. If the father has blood group A and mother has blood group B, work out the genotype of parents. Parents का genotype बताइए. देखिए ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा जब उसके पास दोनों एलील लोअर केस आई हो. ये ब्लड ग्रुपिंग ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है आई जीन से गवर्न होती. वो जीन आई 9 नंबर क्रोमोसोम पे है और इसके 3 एलील हैं आई ए आई बी और लोअर केस आई. ये मल्टीपल एलील का केस है. ज़्यादातर जीन जो हैं हम लोग के उसके दो फॉर्म मिलते हैं और ये दो फॉर्म एक दूसरे के एलील हैं, लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्म है. और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हीटरोजाइगस कंडीशन में, हीटरोजाइगस कंडीशन का मतलब कि ऐसा जीनोटाइप जब एलील अलग अलग हो. तो हमारे मेंडल्स ने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था उन्होंने कहा था इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर वन मेंबर मैनेज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. एक मेंबर अपने को एक्सप्रेस कर देगा दूसरे पर डोमिनेंट हो जाएगा, उसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं. तो हेटरोजाइगस कंडीशन में दोनों में से एक अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे को डोमिनेंस का केस है उन ऑर्गेनिज्म में जिनका जेनेटिक मेकअप ये है आई ए और आई बी आ जाता है. उसमें हम देखेंगे कि हमारी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन बन जाएंगे ए और बी. बेसिकली ये ब्लड ग्रुपिंग इसी बात पर निर्भर करती है कि वॉट टाइप ऑफ शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दैट पर्सन ऑफ आरबीसी. उस पर्सन की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है. आई ए एंटीजन की वजह से ए टाइप की शुगर बनती है, आई बी की वजह से बी टाइप की शुगर या एंटीजन बनता है, और ये आई लोअर केस आई की वजह से कोई भी नहीं बनती. कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकती है, जीनो टाइप में आई ए हो सकती है, ए टाइप की शुगर बन जाएगी, आई ए आई बी हो सकती है, दोनों तरह की बन जाएगी क्योंकि ये को डोमिनेंस है. को का मतलब साथ साथ, मतलब दोनों ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया. तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग वालों में आई ए आई बी जीनो टाइप होता है. आई ए आई लोअर केस आई ए टाइप की शुगर बनेगी, इसकी वजह से कोई भी नहीं है, इस पर डोमिनेंट है, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा. आई बी आई बी बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, कोई दिक्कत ही नहीं. आई बी के साथ ओ, आई बी इस पर पूरी तरह से डोमिनेंट है, बी टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी टाइप का एंटीजन बन जाएगा. और आई आई कोई भी शुगर नहीं बनेगी, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा. हाँ, याद रखिएगा आई ए और आई बी जहाँ पे भी ये कंडीशन आएगी आई बी या आई ए तो दोनों तरह की शुगर बन जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगी. ठीक है, अब इसने आपको बोला फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब फादर का जो जीनोटाइप है या तो आई ए है या आई ए और आई है. चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ. फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है. वर्कआउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा. चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है अगर, तो चाइल्ड के पास दोनों ये एलील है. इसी कंडीशन में केवल ओ ब्लड ग्रुप हो सकता, बाकी किसी भी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा. ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है दोनों जगह लोअर केस आई. तो एक तो उसके पेरेंट्स से मिला फादर से और एक उसको मदर से मिला, नो डाउट अबाउट दैट. इसमें जो दो एलील आ गए लोअर केस आई, एक उसको फादर से एक उसको मदर से, तो फादर के पास एक तो आपको पता ही लग गया जीनोटाइप में कि एक तो लोअर केस आई है और दूसरा कह रहा ब्लड ग्रुप ए फादर का है. इसका मतलब है फादर का जो दूसरा एलील है वो आई ए एलील है, ए टाइप की एंटीजन बना रहा, तभी उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता और किसी कंडीशन में नहीं हो सकता. मदर का एक एलील तो आपको पता लग गया कि एक एलील तो उसका लोअर केस आई है और ब्लड ग्रुप है बी, इसका मतलब दूसरा एलील जो है वो आई बी है. ठीक है, तो मदर का भी पता लग गया, फादर का भी. फादर का जेनेटिक मेकअप ये है और मदर का जेनेटिक मेकअप ये है. अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा वो, तो कह रहा है जी फादर का आई ए, ये रहा फादर का आई ए और आई, और मदर का आई बी और आई, ये हमारा जवाब हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 को चुन लीजिए, यही सही जवाब है. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.